हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मी, योर मैथ्स टीचर। गाइज आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार आता रहता है, तो आप इसको अच्छे से समझना और इसका सोल्यूशन आप मेरे ब्लॉग पर जाके भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन इज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट। तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल को ऐसे ड्रॉ किया है तो कि ये पूरा सर्कल को टच, चार पार्ट पे यहाँ पे टच करते हुए, बिल्कुल मतलब क्वाड्रिलेटरल के सर्कल अंदर है, बिल्कुल और बिल्कुल अंदर भी नहीं, इसकी जो चारों साइड है उसको क्या कर रहा है, टच करते हुए हमने ये क्वाड्रिलेटरल बनाया है। तब हमें ये प्रूव करना है कि AB + CD, ये दोनों जो क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड है, इनका सम, इन दो साइड के, दो हॉरिजॉन्टल साइड का सम तो वर्टिकल साइड के सम के इक्वल है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसमें हम थ्योरम नंबर 10.2 करेंगे, ये 10.2 यूज़ करेंगे। वो क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि आप यहाँ पे देखो ये एक सर्कल है, अगर हम इस B पॉइंट की बात कर दें तो क्या ये B इसका कोई एक्सटर्नल पॉइंट नहीं है, जिससे यहाँ पे ये दो टेंजेंट ड्रॉ की हुई है, जो यहाँ पे देखो P पॉइंट से और ये Q पॉइंट है। B से हमें BP और BQ हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, फिर A से भी हमने AP और AS, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से हमने दो दो टेंजेंट ड्रॉ किए। और हमें पता है बाय थ्योरम नंबर 10.2 से कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, तो वो लेंथ में क्या होती है, इक्वल होती है। तो BP = BQ हो गया, फिर AP = AS हो गया, तो ये DB कोई सर्कल के बाहर का पॉइंट है तो DS = DR हो गया, और सेम C भी आउटर पॉइंट है तो CR = CQ हो गया। तो हमें यहाँ पे थ्योरम 10.2, तो जब भी आपका कोई थ्योरम बेस्ड चैप्टर आता है तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को देख के ये देखो कि इसमें कौन सी वाली थ्योरम लग रही है। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें ये वाली थ्योरम को हम यूज़ करके क्वेश्चन कर सकते हैं, तो पहले तो उस चैप्टर की सारी थ्योरम याद होनी चाहिए कि ये 8 चैप्टर है तो 8.1 थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है, 8.2 थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है, वो सारी आपको याद होनी चाहिए, तब आप ये थ्योरम वाले क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, इसमें फिर आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो 8.1 थ्योरम लगा के देख दो तो वो तो यहाँ पे लगने नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा कोई सेंटर, तो सर्कल के जो सेंटर है उससे तो इनका कोई रिलेशन ही नहीं है, सेंटर हमें यहाँ पे कुछ गिवन भी नहीं है, तो 1 तो यहाँ नहीं लग रही। अब हम 2 को लगा के देखते हैं, तो 2 तो यहाँ ईजिली लग रही है क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट है और सर्कल पे यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए हुए हैं। तो हम 10.2 थ्योरम को यहाँ पे लगा के और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने आपको समझाया कि ये कैसे प्रूफ होगा, कैसे थ्योरम होगी, उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे और किसको किससे ऐड करना है और हमारा ये प्रूफ आ जाएगा। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है, तो सबसे पहले लेट ABCD बी द quadrilateral circumscribing the circle with center O, okay? और फिर ये क्वाड्रिलेटरल कहाँ कहाँ पे इसको टच कर रहा है वो हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे लिखना है क्योंकि हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे द क्वाड्रिलेटरल टचेस द सर्कल, एट पॉइंट, कहाँ कहाँ टच कर रहा है, एट पॉइंट PQRS, एट पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं टचेस द, हम इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं टचेस द साइड्स, क्योंकि ये साइड्स पे टच कर रहा है तो पहले ये लिख दें टचेस द साइड्स AB, फिर हमारी साइड कौन सी है यहाँ पे BC CD एंड DA पे कहाँ कहाँ टच कर रहा है, AB पे टच कर रहा है, P देन Q देन R एंड S और रेस्पेक्टिवली, ओके। फिर अब हम यहाँ पे थ्योरम यूज़ करेंगे क्योंकि जो जो हमें गिवन था वो तो हमने लिख लिया। अब हम थ्योरम, कौन सी थ्योरम, 10.2, तो वो क्या है, सिंस, ये इस थ्योरम को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, सिंस लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन, ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, ड्रॉन from an external point of सर्कल आर इक्वल। तो ये हमने यहाँ पे कहाँ से लिखा, ये थ्योरम नंबर 10.2 से। कभी भी आपको ये सीधा नहीं लिखना है कि हमने थ्योरम नंबर 10.2 से लिया है, आपको थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट लिख के बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्पेशली आपको एक बात याद रखनी है, क्योंकि ये हमें जो प्रूफ करके लाना है, तो ए बी प्लस सी डी हमारे लेफ्ट में है और ए डी और बी सी हमारे राइट में है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्योंकि जब हम इस थ्योरम को यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे हमने बी पॉइंट लिया, तो हम यहाँ पे बी पॉइंट से एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से हमारी टेंजेंट कौन कौन सी इक्वल है, बी पी इक्वल टू बी क्यू हुई ना। तो बी पी को आप लेफ्ट में लिख रहे हो, तो ए पी को भी लेफ्ट में रखना है, वो क्यों मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने बी पॉइंट लिया, चलो हम ए से स्टार्ट करते हैं ताकि ये साइक्लिक में रहेगा। तो ए से हमने लिखा, तो ए से हमारे टू टेंजेंट है, ए पी भी है और ए एस भी है। तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, ए पी इक्वल टू ए एस लिखा, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया क्योंकि इस थ्योरम से हमारी यही होगा। फिर हमने बी पॉइंट लिया, तो फिर हम क्या लिख रहे हैं, बी पी इक्वल टू हमने लिखा बी क्यू, ये हमने इक्वेशन 2 लिखा, क्योंकि ये बी भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ से दो टेंजेंट है बी पी और बी क्यू, तो दोनों लेंथ में इक्वल होगी, यहाँ से हमने लिखा। नाउ सी पॉइंट, तो सी पॉइंट से अब हमने लिखा कि सी क्यू इक्वल टू हमारा सी आर है, तो हम यहाँ पे सी आर इक्वल टू सी क्यू लिखेंगे, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, जब ये सॉल्व हो जाएगा तब आप यहाँ पे देखना मैंने ये क्यू लिखा है, सी क्यू, ये हमने इक्वेशन नंबर 3 हो गई। और डी से देख रहे हैं, तो डी आर इक्वल टू हम डी एस लिख रहे हैं। तो ये चारों यहाँ से जो चार एक्सटर्नल पॉइंट थे, उससे हमने ये चारों थ्योरम लगा के, और इसको ये जो चार थे वो चारों इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें ए बी बनाना है, तो ए बी हमारा किसके इक्वल है, ए पी प्लस पी बी के इक्वल है, क्योंकि ये देखो ए बी लेंथ है, तो हमारी ए पी प्लस पी बी के इक्वल है, तो यहाँ पे देखो ए पी प्लस पी बी आ जाएगा। फिर हमें सी डी चाहिए, तो सी डी हमारा किसके इक्वल है, सी आर प्लस आर डी के इक्वल है, तो ये हमारा सी आर प्लस आर डी, तो इसमें हम लेफ़्ट को लेफ़्ट से ऐड करेंगे, राइट को राइट से ऐड करेंगे, तो हमारी जो हमें प्रूव करना है वो हमारा इससे आ जाएगा। तो हम क्या लिख रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 + 2 + 3 + 4, ये चारों हमने यहाँ पे ऐड करना है, तो ये हमारा लेफ़्ट को लेफ़्ट से ऐड करेंगे, राइट को राइट से, तो ये हो गया ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस हो गया। अब जिन जिनकी पैरिंग बन रही है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, क्योंकि हमारा ए बी हमारा किसके इक्वल है, ए पी प्लस बी पी के इक्वल है, तो इन दोनों को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये हमारा हो गया यहाँ से ए पी प्लस बी पी, तो रिमेनिंग हमारे सी डी बन जाएंगे, प्लस सी आर प्लस डी आर, तो ये देखो आर आर सेम है ना, ये देखो पी पी सेम है तो ए बी हो गया, आर आर सेम है तो सी डी हो गया। फिर ए एस के साथ हम डी एस लिख लेते हैं, इक्वल टू ए एस प्लस डी एस, क्योंकि ए एस प्लस डी एस, ये देखो ए एस प्लस डी एस मिल के हमारा ए डी बना रहा है। और फिर हमारा लास्ट बच गया बी क्यू प्लस बच गया हमारा सी क्यू, तो ये हमने लिख लिया। तो हम फिगर से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए पी प्लस बी पी हमारा यहाँ पे क्या है, ए बी, फिर ये हमारा सी डी है, ये हम फिगर से लिख रहे हैं। ए एस प्लस डी एस हमारा, देखो ए एस प्लस डी एस हमारा क्या है, ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू हमारा क्या है, बी सी, तो यहाँ पे लिखा हमने, ये हमारा बच गया यहाँ पे ए डी प्लस और बी सी, ए डी और बी सी, तो ये हमारा हैंड्स प्रूव्ड हो गया। अब यहाँ पे देखो जो मैंने आपको समझाया था वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये ऑर्डर क्यों नहीं चेंज करना है। अब अगर यहाँ पे देखो आपने ए पी इक्वल टू तो ए एस लिख लिया, अब आपने बी क्यू इक्वल टू बी पी लिख दिया, अगर यहाँ पे बी पी इक्वल टू बी क्यू ना लिख के और बी क्यू इक्वल टू बी पी लिख दिया, तो आप जब ऐड करोगे तो यहाँ पे तो बी क्यू आपका इस तरफ होगा, तो बी क्यू तो यहाँ पे ऐड होके बनेगा नहीं, तो ये आपको क्या करना है, ये चेंज रखना है, ये पी पी आर आर एक तरफ रखना है, ए बी सी डी एक तरफ रखना है। अच्छा अब ये देख लो, फिर आपको यहाँ पे ये देखो ए बी प्लस सी डी है ना, तो आपको ए बी सी डी लेफ्ट में ही रखना है, तो ये हमेशा ए पी प्लस पी बी लिखोगे और सी आर प्लस डी आर लिखोगे, तो यहाँ पे देखो हमारा यही बन रहा है ना, ए बी सी डी यहाँ पे और पी पी आर आर हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी तो आपका ए बी सी डी ही आ रहा है, तो आप इसके अकॉर्डिंग बस आप ये ध्यान रखना, इसको भी छोड़ दो, फिर आप ये ध्यान रखना यहाँ पे ए बी प्लस सी डी है ना, तो आपको ए बी प्लस सी डी लेकर आना है। तो ए बी प्लस सी डी हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये ए बी और सी डी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इनको आपको इनसे इनको जो ऐड करने से वैल्यू बन रही है उनको लेफ्ट में रखना है। फिर ए डी प्लस बी सी है, तो ये ए डी और बी सी जो हमारी वर्टिकल लाइन है इनको हमें, ये राइट में है तो हम इनको ऐड करने को हमें राइट में रखना है। बस ये याद रखोगे तो आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि आप सारा कुछ सही कर रहे हो लेकिन इनके ऑर्डर चेंज कर दिए तो फिर ये ऐड करके आपका जो प्रूफ करना है वो नहीं प्रूफ आएगा। तो ये एडिशन करने का आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ए पी जो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन है ए पी प्लस बी पी, तो ये ए पी और बी पी आपको लेफ्ट में रखना है। और फिर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये हमने क्या लिखी थी सी आर प्लस डी आर, तो ये भी हमने लेफ्ट में रखा है। बस इतना सा इसमें ध्यान रखना है, बाकी और कुछ भी बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है। एक हमने यहाँ पे थ्योरम 10.2 लगाया, इससे यहाँ से 10.2 थ्योरम से के जो स्टेटमेंट्स हम राइट कर सकते हैं वो लिखा, फिर लेफ्ट को लेफ्ट से राइट को राइट से ऐड किया और ये प्रूफ हो गया। तो ये आपका 3 मार्क के क्वेश्चन में एज इट इज़ आता है, कितनी बार आ चुका है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। और अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।